बीते दिनों समन्वालय के समक्ष जो है 10 आदिवासी महिलाओं के द्वारा सामूहिक आत्मदाह के प्रयास के बाद जो आज ये तमाम महिलाएं जो है फिर से एक बार जो है समन्वालय के समक्ष जो है धरना प्रदर्शन पर बैठी है। हालांकि उस दिन काफ़ी हाय तवाब मची थी और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने इन महिलाओं को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगे को सुना जाएगा और जो जिस तरह दबंगों द्वारा उनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया उन्हें किसी न किसी तरह से कोई ना कोई रास्ता निकाल कर इन्हें वापस उस ज़मीन पर बसाया जाएगा। लेकिन अभी भी ये महिलाएँ जो है फिर से उस घटना के बाद जो पुनः समन्वालय परिसर के सामने धरना में बैठे हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही सामूहिक आत्मदाह का प्रयास किया गया था, 2 तारीख की घटना है जी, यानी कि 11 बजे के आसपास में घटना हुई। महिलाएं 10 महिलाएं आकर के आपका समाहरणालय गेट के पास में अपना आत्मदाह करने की कोशिश की थी, इसलिए कि उसको भूमाफिया ने उसके घर को उजाड़ दिया था, बुरी तरह से उसके मारपीट भी की, प्लस उसका जो जितना भी कपड़ा लत्ता था बर्तन बर्तन थी सारा सामान उसको बिखेर दिया, अब ले भी गए अपने साथ में। इसके बाद जो है प्रशासनिक महकमे के द्वारा जो वरीय पदाधिकारी थे मौके पर आए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी इस दिशा में कोई कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या कार्रवाई अब तक हो पाई है? आश्वासन दिए हुए थे, SDO साहब खुद अपने चैम्बर पे लेके गए और आश्वासन दिए। आश्वासन देने के बाद में कल पता चली कि 16 लोगों के ऊपर में FIR हुआ है, लेकिन FIR हो गया है फिर भी अभी भूमाफिया मतलब कि खुलेआम वो लोग घूम रहे हैं। खैर छोड़िए, भूमाफिया तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो 10 महिला जो अभी बीच रोड में वो रात भर वो गुजार रही है, अगर उसके साथ में अगर कुछ घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेवारी कौन होगा? कहा जा रहा कि मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में लंबित है, तो आखिर लंबित है तो वहाँ से जो भी फैसला आने तक आप सहमत रहते, चुप रहते, ना कि आप किसी को भूमाफिया को ले जा करके आप किसी का घर द्वार जो तोड़ फोड़ कर दे, ये कहाँ का न्याय है? मेरा कहना है कि देखिए, आप भूमाफिया का आप सहयोग लेकर के आप तोड़ फोड़ किए तो हम लोग क्या कम हैं? हम लोग भी कम है क्या किसी से? अगर एक इशारा अगर हो जाएगी ना तो पूरा जितना भी आदिवासी संख्या है सब इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या हाल होगी उनका? तमाम जो महिलाएं हैं आदिवासी महिलाएं वो आक्रोशित है और ये पूरा जो मामला है कोर्ट में लंबित है। हालांकि महिलाओं का कहना है कि जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक जो भूमाफिया जो दबंग लोग हैं जिन्होंने इनकी भूमि पर कब्जा किया था उन लोगों को तब तक सब्र रखना चाहिए था, लेकिन आनंद फानंद में इन दबंगों द्वारा इनकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया, इन्हें बेघर कर दिया गया, ये घर बार छोड़कर घर बार विहीन हो चुके हैं और सड़कों पर शरण लेने को विवश है। ऐसे में इनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो वरीय पदाधिकारी इस मामले को संज्ञान में ले और कोई आवश्यक ठोस कदम उठाए। हालांकि इस पूरे मामले में 16 लोगों पर नामजद FIR और 50 से 60 लोगों पर अननेम्ड FIR हो चुका है। अब देखना वाजिब होगा कि प्रशासनिक पदाधिकारी और कोर्ट के द्वारा क्या फैसला आता है और क्या इन्हें वापस भूमि पर बसाया जा पाएगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। रितेश संजन, कशिश न्यूज, कटिहार।